देख रहे हैं fastsamachar.com खबरों में सबसे तेज। जब विवेक की आंख खुलेगी तभी भगवत साक्षरता साक्षात्कार होगा। साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी। गांधी पार्क में आयोजित कथा में सातवें दिन बताया दास शब्द का महत्व। गांधी पार्क में चल रही संगीत में श्री राम कथा में साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी ने श्री राम कथा का वाचन करते हुए कहा कि भगवान को हम नहीं देख पा रहे हैं, हम उसकी कृपा की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दृष्टि में दोष है। बाहर की आँख से संसार नज़र आता है और भीतर की आँख से भगवान नज़र आते हैं। भीतर से साधना का प्रारंभ होगा तभी हृदय की विवेक की आँख खुलेगी और जब विवेक की आँख खुलेगी तभी भगवत साक्षात्कार होगा। कहीं से भगवान को लाया नहीं जाता। जिस क्षण जीव के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए भगवान उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। ये प्रेम प्रकट होने के 9 साधन हैं। साध्वी जी ने दास शब्द का महत्व बताते हुए कहा कि जिस समय जीव को गुरु शरणागति होती है उस समय उसे सिखाया जाता है कि आज से तुम भगवान के दास हो गए और नामकरण किया जाता है, तब दास आदि शब्द जोड़ा जाता है। जीवन में कई बार शब्दों का प्रयोग व्यक्ति कर लेता है पर आचरण में नहीं आता। भगवान कहते हैं कि दास वह जिसने मुझे छोड़कर किसी और की आशा नहीं की। साध्वी जी ने कहा कि मेरा दास बन गया और मनुष्य से आशा रखता है कि ये मेरे लिए यह सुख दे देगा, ये मेरे लिए आनंद दे देगा, यह सबसे बड़ी भूल है। भगवान कहते हैं अगर आज भी कहीं दुनिया में भगवान का दास बनने के बाद भी आशा लगी है, पुत्र से, पति से, संसार में किसी से भी आशा नहीं लगी कि ये मेरे लिए सुख कर देगा, तो उसका दास्य सच्चा नहीं है। लेकिन मेरी शर्त यह है कि गोद में भरत को भी साथ लेकर जाना। एक कर्म गलत हुआ अवध में, कह गई और मंथरा की कर्म के समय मैं उपस्थित नहीं था, भरत जी बोले, लेकिन आज तो मैं हूं ना। अब मेरे सामने दूसरा कोई गलत कर्म में होने नहीं दूंगा। श्री भरत जी ने चरण पकड़ लिए। माँ जब मेरे भगवान लौट कर आएंगे तो मैं मेरे भगवान को क्या कहूंगा, मैं आ नहीं सका, तब तक मेरे पिता तो स्वर्गवासी हो गए, उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मेरी माँ तो मेरे पास है ना, मैं आपको कैसे जाने दूं। श्री भरत जी ने चरण पकड़ लिए। गहि पद भरत माँ तो सब राखी। शुप्री से संजय चिड़ार।